हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं हम आपको 14+14 सीलिंग फैन का रिवाइंडिंग डाटा बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वो वीडियो को पूरा देखना होगा और दोस्तों अंत तक देखना होगा, तभी आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी जान पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें टोटल स्लॉट की बात करें तो 28 स्लॉट हैं दोस्तों, और स्टेटस साइज की बात करें तो दोस्तों 12 mm का स्टेटर है। और दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग में आपको लोगों को टर्न्स कितने देने हैं, तो यह 36 नंबर वायर है। टर्न्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 360 टर्न देने होंगे 36 नंबर वायर से। और दोस्तों, इसमें आप लोगों को हाई स्पीड आएगी अगर आप लोग इस पंखे को चलाते हैं, और दोस्तों लंबे समय तक यह काम करेगा। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग भीतर मतलब स्टार्टिंग में टर्न्स देना चाहेंगे तो इसमें आप लोगों को 360 टर्न देने होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे इस पंखे में स्टार्टिंग कॉइल जल चुकी हैं। अब दोस्तों चलिए, अब बात करेंगे हम रनिंग में आप लोगों को कितने टर्न्स देने हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारी सभी कॉल रनिंग की डल चुकी हैं। तो अब मैं रनिंग की कॉल की बात करें, यहाँ पर कितने टर्न देने हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 400 टर्न देने हैं दोस्तों, 36 नंबर वायर से। दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों आप लोग इस तरह टर्न दे देंगे तो आपके पंखे की हाई स्पीड देखने को आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस तरह दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बेधड़क होकर इस पंखे को रिवाइंडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा यह पंखा फुल भर चुका है आपको। और दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप लोगों को किसी और पंखे का डाटा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जिससे हम आप लोगों को उसका भी डाटा दे देंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देते हैं धन्यवाद।